स्वागत स्वागत स्वागत। हंसो हंसाओ हर पल को प्यारी यादों में बदलते जाओ। हाल ही में हमने एक रोड ट्रिप की अपने प्यारे दोस्तों के साथ, हिमांशु और सलोनी। रोड ट्रिप थी न्यूजर्सी से आउटर बैंक्स नॉर्थ कैरोलिना और फिर शेनेंडो नेशनल पार्क और फिर वॉशिंगटन डीसी एंड बैक। बहुत मज़ा आया इस ट्रिप पर, सो कुछ प्यारी प्यारी यादें आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो तैयार हो जाइए डॉल्फिन्स देखने के लिए, बीच का फन, माउंटेन पे सवारी और यूएस का कैपिटल हिल देखने के लिए, जैसे हम सब तैयार थे इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं। तो हमारी गाड़ी अब चल पड़ी है वाइल्डवुड बीच पर, करेक्ट, एक घंटे के ब्रेक के बाद। ऑल सेट? यस। आई ऑल सेट? यस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम चलेंगे वाइल्ड वुड्स, जो कि मोस्ट पॉपुलर वेकेशन स्पॉट है न्यू जर्सी का। तो अगर आप न्यू जर्सी में आए हैं, वाइल्ड वुड्स न्यू जर्सी का बोर्ड वॉक मिस मत करिएगा। ऑब्वियसली बीच पर भी आप जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम एंटर कर रहे थे, बीच की वाइब्स आना शुरू हो चुकी थी। हे, वाइल्ड वुड्स इज वेटिंग फॉर यू। गाड़ी पार्क करने के बाद हम सीधा बोर्ड वॉक पर चल पड़े, द फेमस बोर्ड वॉक, जो कि 2.5 माइल्स लंबी है और वुडन प्लैंक्स यानी वुडन के फट्टों की बनी हुई है। तो ये स्ट्रेचेज में है, बट द फन पार्ट इज आप देख सकते हैं बहुत सारे शॉप्स हैं खेलने के, वीडियो गेम्स खेलने के, खाने के। हमने तो वहाँ पर डिफरेंट चॉकलेट्स भी खरीदे और रात के समय तो और भी ग्लिटर करता है। काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पे, काफ़ी रिलैक्सिंग वाइब्स होती है जो शायद आप भी फील करना शुरू कर चुके होंगे। और अब उसके बाद हम चल पड़े डॉल्फिन वॉचिंग एंड पैरासेलिंग के लिए। तो हमने डॉल्फिन वॉच के लिए सिल्वर बुलेट टूर लिया। नाउ इसका कॉस्ट $50 to $60 है, बट हमारे एक्सपेक्टेशन से ये एडवेंचर बहुत बहुत मस्त निकला। $60 में करीबन 90 मिनट्स की राइड होती है, जो अलग अलग स्पीड पर होती है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी बोट्स हैं और फिर डॉल्फिन्स का जो नज़ारा दिखा ना, वो तो आप आगे देखने ही वाले हैं। सो वी वेर एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू टेक द सिल्वर बुलेट ड्राइव। द फन हैज जस्ट बिगन। आपने देखा कैसे हम रिएक्ट कर रहे थे जब डॉल्फिन हमें पहली बार दिखी? वो देखिए, डॉल्फिन्स दिखिए आपको। डॉल्फिन्स हम पर विशेष मेहरबान थी। जो कमेंटेटर था ना शिप पर, उसने हमें बताया कि ये डॉल्फिन्स भी यहाँ पे वेकेशंस मनाने आई हैं अपनी फैमिली में। तो हमने पूरी फैमिलीज की फैमिलीज देखी डॉल्फिन्स की, एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट। और आई एम सो हैप्पी कि मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूँ इतने क्लोजअप, और दैट इज़ द बेस्ट क्लोजअप आई गॉट फॉर यू गाइस। और फिर हमें अलविदा कह के डॉल्फिन्स किसी और स्पॉट पे
चली गई, बट मज़ा बहुत आया। और आपको बता दूं, ये शूट लेने में मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि अगर आपको दिख रहा होगा मेरी शिप काफी हिचकोले ले रही थी। इस फन भरे एडवेंचर में सोख होने के बाद और कपड़े बदलने के बाद हम चले शाम को इवनिंग बीच वॉक पर। तो आनंद लीजिए मेरे साथ इन कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और बीच की इवनिंग वाइब्स का। हम लोग वाइल्ड वुड्स के बीच पर हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। शाम का वक्त है, आप कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ बीच वॉक है। आपने वीडियोस और शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा कि हम किस तरीके से बीच वॉक कर रहे हैं, प्यारे मौसम का आनंद ले रहे हैं। सुबह हमारा प्लान है नहाने का और मस्ती करने का, तो सुबह और शॉर्ट्स लूँगा मैं। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है और दोपहर को भी हमने बहुत बहुत मज़ा किया। डॉल्फिन्स को देखा हमने, उसके बाद हिलोरे और हिचकोले लिए शिप्स पर, जो आपने आप ही देख रहे होंगे और देख चुके होंगे शायद, पर दोपहर को बहुत मज़ा आया। हमने हिचकोले लिए, हमने डॉल्फिन्स देखी शिप में और बहुत भीगे भी, बट द फन हैज जस्ट बिगन। और मुझे लगता है कि आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा आगे आगे जैसे जैसे हम इस रोड ट्रिप पे निकलेंगे। सो सी यू अगेन गाइस, बाय। इवनिंग बीच वॉक का मजा लेने के बाद हम फिर से बोर्ड वॉक पर चले गए इवनिंग में एक्टिविटीज करने, और हिमांशु और सलोनी ने बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस किया इस रोलर कोस्टर राइड पर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। द फन वॉज एट द पीक एंड दे हैड द ब्लास्ट ऑफ द इवनिंग, सो बी विद देम। जबरदस्त राइड के बाद जो लोग हाथ हिला रहे हैं, सल्यूट टू देम। इट वाज अ वेरी थ्रिलिंग राइड और हिमांशु और सलोनी ने बताया कि भाई मजा आ गया। एंड देन नाउ यू आर सीइंग गो कार्टिंग, जो मेरे सन ने पहली बार की। ही वाज लिटिल नर्वस बट ही डिड हिज लेवल बेस्ट और काफी मजा किया इसने गो कार्टिंग एक्टिविटी पे। तो अगर आप वाइल्ड वुड्स जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू हैव ऑल दिस फन विद यू ऑल। और अब देखिए रात में ये बोर्ड वॉक कितना सुंदर हो जाता है, कितना ग्लिटर करता है लाइट में। बीच का जो मज़ा है और जो बीच की वाइब्स है वो एकदम मैक्स हो जाती है रात के समय में, जब पब्लिक भी बहुत होती है। खाने को आइसक्रीम होता है, फज होता है, चॉकलेट होता है, स्पोर्ट्स के लिए जो करना करिए। हमने वहाँ पे पिज्ज़ा खाया पेट भर के और खूब मज़ा लिया इन लाइटिंग्स का, इन राइड्स का। सो वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ज़रूर आइए वाइल्ड वुड्स न्यू जर्सी में। हेलो दोस्तों, हमारा फर्स्ट डे ऑफ द रोड ट्रिप ओवर हो गया है और अब हमारा सेकेंड डे शुरू हो रहा है और हम अब वाइल्ड वुड्स न्यू जर्सी से निकल रहे हैं फर्स्ट केप में। थोड़ा सा एक दो घंटा वहाँ बिताएंगे और फिर 7 आवर्स स्ट्रेट हम लोग निकल जाएंगे आउटर बैंक्स। तो आउटर बैंक्स बहुत ही ऑसम प्लेस है, बहुत से लोगों को आपको पता नहीं होगा। तो हम वहाँ पहुँचने वाले हैं और प्यारे प्यारे सीन्स कैप्चर करेंगे और फिर वहाँ का जो बीच फ्रंट है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेट्स कीप द फन गोइंग।
अगर अभी तक मेरे साथ हैं तो फॉरवर्ड मत करना, हमारी ट्रिप का वन ऑफ द बेस्ट सरप्राइज हमको यहाँ दिखा सुबह, एंड यू आर गोइंग टू विटनेस इट सून। तो कैसा लगा सरप्राइज? कभी भी बीच शोर पर आपने डॉल्फिन्स देखी है? आपको बोट लेके जाना होता है अंदर, पर हमने एट 10 AM बीच पर डॉल्फिन्स देखी, एंड दैट वाज द बिगेस्ट सरप्राइज, एंड आप हमारे रिएक्शंस देख ही सकते हैं। सो होपफुली यू एंजॉयड इट। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब अपने केप में, आप देख सकते हैं वहाँ पे वो है टावर। ये मेरा सेकेंड टाइम है केप में आने का, और मैं पिछली बार विंटर्स में आया था और मैंने अपने वीडियोस में ये प्रॉमिस किया था कि मैं समर में भी आऊँगा आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कैसा है। तो शुरू के शॉट्स में आपने देख ही लिया होगा कि ये ज़्यादा क्राउडेड प्लेस नहीं है, तो अगर जो न्यू जर्सी में लोग रहते हैं वो यहाँ आएँ ज़रूर। और वाइल्डवुड से ये बहुत अलग जगह है, वाइल्डवुड इज़ मोर हैपनिंग, केप में पीसफुल है, यहाँ का विक्टोरियन जो हाउसेज है वो बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ आइए ज़रूर। और हम लोग यहाँ बहुत मज़े कर रहे हैं, काफ़ी ठंडी हवाएं हैं यहाँ पर, और समर का पूरा आनंद ले रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और आगे अब यहाँ से हम अपने रोड ट्रिप पर चलेंगे आउटर बैंक्स की ओर। सो स्टे ट्यून्ड। जैसे मैंने कहा, मैं आपको समर सीजन में केप मे का पॉपुलर लाइट हाउस दिखाऊंगा, तो इसके ऊपर जाकर कैसा व्यू दिखेगा वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। और अगर आपको और इंटरेस्ट हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो केप मे पे पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, जो कि मैंने विंटर सीजन में बनाया था। द सीनरी वाज ऑसम। और आगे के पार्ट में, जैसे मैंने कहा कि हम आउटर बैंक्स नॉर्थ कैरोलिना की तरफ जाएंगे, तो वेट फॉर माय वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय इट। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड बाय बाय।